अगर ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं नान चाप, जिसे नान सैंडविच भी कहते हैं। नान चाप बॉम्बे की बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी होती है। इसके नान बनाने की रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ़िलहाल हम नान के अंदर भरने की फिलिंग करेंगे, तो अगर आप चाहें तो नान रेडीमेड मार्केट से भी ले सकते हैं या मेरा लिंक चेक करके आप बना सकते हो। अब ये देखिए, मैंने ली है 250 ग्राम बॉयल चिकन। चिकन को मैंने नमक और एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉयल किया और फिर उसको मैंने श्रेड कर दिया, उसके रेशे देखिए अलग कर दिए हैं। ये बॉयल चिकन हो गई, ये 250 ग्राम है। और इसके साथ ही मैंने लिए हैं दो बॉयल पटैटो, दो आलू को उबाल लिया है। साथ में है ये टमाटर, दो टमाटरों को बारीक चॉप कर लिया है। प्याज, दो दरमियानी साइज़ की प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया है। और इसके साथ मसालों में आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, नमक जायके के मुताबिक, हल्दी पाउडर पाव छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने लिया हरा धनिया, पुदीना और दो हरी मिर्चें। अब ये मैंने पैन गरम करने रखा और इसके अंदर डाले दो बड़े चम्मच ऑयल, और ऑयल में मैं डाल रही हूँ दो कटी हुई बारीक प्याज। प्याज को अच्छे से हमें ऑयल में सॉटे कर लेना है, इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का रंग देंगे हम इसे। ये देखिए इसका ट्रांसपेरेंट कलर आ चुका है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ बॉयल चिकन। प्याज को हमें लाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट कलर आते ही, हल्का कलर आते ही मैंने इसमें मिला दी बॉयल चिकन। बॉयल चिकन को दो मिनट में फ्राई किया। अब मैंने इसमें मिला दिए दो कटे हुए टमाटर, दो मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए, तो इसीलिए मैंने इसे ढक दिया और फ्लेम को स्लो कर दी। अब देखिए दो मिनट हो चुके, टमाटर नरम हो चुके। मैंने मिलाया नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर आधा छोटी चम्मची, हल्दी पाउडर पाव छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच। तमाम पाउडर मसाले मैंने मिला दिए और इसे हम स्लो फ्लेम पर ही भुनेंगे। टमाटरों के पानी में ये भुन जाएगा, अगर ना भुने तो थोड़ा सा दो तीन चम्मच इसमें हम पानी मिला देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। ये देखिए मैंने इसमें दो बड़े चम्मच पानी मिला दिए। अब इनको मैं अच्छे से भून लूँगी, फ्लेम स्लो करेंगे। कभी भी पाउडर मसाले मिलाते वक्त फ्लेम स्लो करें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे तो ग्रेवी का रंग, जो बैटर का रंग है वो ख़राब आ जाएगा, जल जाएंगे मसाले। तो अब ये देखिए मसालों का रंग बहुत ही अच्छा है और टमाटर भी गल चुके हैं, चिकन भी हमारी भुन चुकी है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ बॉयल पटैटो। आलू को मैंने उबाल लिया था और उसे हाथ से मैश करके मैंने उसे चिकन में मिला दिया। ये देखिए बहुत ही अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ये देखिए फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है ताकि ये, अब मैं मिला रही हूँ इसमें हरी मिर्चें, दो हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया, हरा धनिया और पुदीना इसको बारीक कट कर दिया, इसे भी मैंने मिला दिया। इस बैटर को हमें ज़्यादा ड्राई नहीं करना है क्योंकि इसे हमें नान के अंदर फिल करना है, तो इसीलिए हम इसे ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे। और मसालों में भी लाल मिर्च अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो यह ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नान फीके होते हैं तो नान के साथ ये एडजस्ट हो जाती है मिर्चें। ये मैंने मिलाया इसमें आधा नींबू का रस। तो ये हमारा नान का जो बैटर है वो तैयार हो गया। हम बना रहे हैं नान चाप, जिसे नान सैंडविच भी कहते हैं। तो देखिए ये बैटर हमारा रेडी। अब ये मैंने पैन लिया, तवा लिया, इसके ऊपर डाला एक चम्मच बटर,
बटर्स को हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं। अब ये देखिए नान, इस नान को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे बटर में। मैंने नान को दरमियान से कट कर दिया है क्योंकि इसके दरमियान में हमें फिलिंग भरनी है। इस नान की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक चेक कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी नान बना है ये, बहुत ही सॉफ्ट है, ये होममेड है, मैंने घर में ही बनाया है ओवन में। तो देखिए इस नान को दरमियान से मैंने कट कर दिया, इसे हल्का सा सेक लेंगे। ये देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन की फिलिंग। आप चिकन की जगह मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए फिलिंग एक बड़ा चम्मच डाल के देखेंगे, अगर और ज़रूरत हुई तो और थोड़ी फिलिंग में डाल दूंगी। फिलिंग अच्छे से भरेंगे तो ये नान सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में। अब इसको कवर करती हूँ मैं इससे। ये देखिए थोड़ा सा सेक लेते हैं इसे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सिक चुका है ये। तो लीजिए तैयार है बॉम्बे का मशहूर नान चाप, खाने में बहुत ही टेस्टी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ में हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।